आप टीवी चलाएंगे, आपको ये बताया जाएगा कि 70 सालों में जो कांग्रेस पार्टी में नहीं किया ने नहीं किया वो 10 सालों में मोदी जी ने कर डाला है। आपको बताएंगे कि देश इतना विकसित हो गया है, इतनी खुशहाली है कि पूछिए मत। लोग खुश हैं, किसान खुश है, उसको जनधन योजना मिल रही है, महिलाएं खुश है, उनको 5 किलो राशन मिल रहा है। यही सब बातें सुनने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगी, सही है? लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि 5 किलो राशन में आपका पेट नहीं भर रहा है। सच्चाई यह है कि किसी नौजवान को बोलो कि 5 किलो राशन चाहिए, तुम बताओ 5 किलो राशन दूंगी या रोजगार दूंगी, कौन सा चुनोगे? कौन सा चुनोगे? क्यों? क्योंकि रोजगार से तुम्हारा भविष्य बनेगा, रोजगार से तुम्हें आत्मसम्मान मिलेगा, रोजगार से तुम कमा पाओगे अपने परिवार के लिए। 5 किलो राशन जैसे ही खत्म होगा फिर से कतार में खड़ी हो जाओ, फिर से निर्भर हो जाओ सरकार पे। चेपते हैं कि नहीं? हाँ, देखिए हंस रही हो। लेकिन वो कानून तो कांग्रेस पार्टी लाई थी, वो भोजन का अधिकार का कानून था, उसके तहत कोई छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी 35 किलो राशन दे रहे थे हम, 5 किलो नहीं 35 किलो दे रहे थे। मोदी जी की ये भाजपा की सरकार फिर से ये आपका अधिकार है, लेकिन भाई राशन के साथ साथ कोई और नीति भी तो बनाओ, रोजगार दिलवाओ, खेती किसानी इसमें इतनी मेहनत हो रही है, वहां से कमाई के साधन दो, मजदूरों के लिए कुछ नीति बनाओ, मिडिल क्लास के लिए नीति बनाओ। आप हर स्तर पे देखें तो इनकी ऐसी नीतियां हैं कि गरीब मिडिल क्लास की कमर तोड़ी जाए, और बड़े बड़े खरबपति जो हैं वो भी सारे नहीं, कुछ गिने चुने खरबपति, बड़े बड़े हाईवे के ठेके दे दिए, देश का कोयला दे दिया, सारे खदान इनके हैं, तो देश की सारी संपत्ति इनको दे दी और देश के किसान और गरीब के लिए कुछ नहीं। ये तो सही बात है। आवारा पशु खेत चरते हैं रात को, क्या करते हो रात को? अब यही आवारा पशु की समस्या छत्तीसगढ़ में थी, हमारी सरकार ने क्या किया? स्वयं सेवा समूह जानती है, जो दूध मिलता है महिलाओं को रोजगार मिले, तो गोबर खरीदने की बात जब जनता ने सुनी तो उन्होंने सोचा फिर हमारा क्या नुकसान है, हम रखे ही लेते एक दो जानवर, उससे हमारी आमदनी बन जाए, तो ये समस्या हल हो गई। अब आप कितने सालों से जुड़ रहे हैं? 8-9 साल तो हो गए मेरे ही देखते देखते, है ना? 10 साल हो गए जब से मोदी जी योगी जी आए, तब से आवारा पशु भी आ गए, आपकी समस्या तो बढ़ती चली गई, है ना? सब बड़ी समस्या है, खेती से रोजगार भी नहीं बन, बड़ी समस्या है, और इन समस्याओं का हल करना सरकार का कर्तव्य होता है। राजस्थान में हमारी सरकार थी, हम एक स्कीम लाए जिससे 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा आपको मिल रहा था, मतलब 25 लाख रुपए में जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो मुफ्त थी। अगर आपको एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता था या कैंसर का इलाज करना था तो 25 लाख तक आपको एक पैसा नहीं देना पड़ता था, सरकार भर रही थी। ये कांग्रेस ने नीति बनाई राजस्थान में, अब भाजपा की सरकार आई है, उस 25 लाख को कम करके 5 लाख कर दिया। तो हम जो नीतियां बनाते हैं आपके लिए बनाते हैं, यही हमारी सभ्यता हमारी परंपरा रही है। अगर हमारी केंद्र में सरकार आएगी तो हम कुछ गारंटी लाए हैं, गारंटी क्या है? वही नीतियां हैं जो हम कह रहे हैं कि गारंटी के तौर पर हम इनको पूरा करके आपको देंगे। सबसे पहली ये है कि जो स्नातक पास बच्चे हैं उनके लिए 1 लाख रुपए सालाना की पहली जो नौकरी है वो सरकार देगी। आप नौजवानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा आपको,
ताकि ये फंड आपको नहीं मिलेगा, मतलब एक फंड बनेगा जिसमें से अगर आप कोई छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए आप थोड़े पैसे चाहते हैं, तो उस फंड से आपको पैसे दिए जाएंगे। पेपर लीक के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनेगा, ताकि पेपर लीक होगा तो सख्त कार्रवाई होगी, ताकि आपके भविष्य मजबूत बन पाए। खेती किसानी के सारे सामानों पे जीएसटी आज लगी हुई है, जिसकी वजह से ये सारे सामान महंगे हैं। वो जीएसटी, वो टैक्स हटाई जाएगी। खेती के सामानों पे वो टैक्स जीएसटी नहीं लगेगी, सामान सस्ते हो जाएंगे। आज आपको उपज का दाम नहीं मिलता। हमने तय किया है कि हम कानून बनाएंगे कि आपको सही दाम मिलना चाहिए उपज के लिए। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कानूनी तौर पर आपको मिलना चाहिए। आप कर्ज लेते हैं, आपका कर्ज माफ नहीं होता। हम कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनाएंगे, जहां आप जा सकते हैं, अपने कर्ज को माफ करा सकते हैं। उसके लिए आपको सुविधा मिलेगी। आज जब खेतों में नुकसान होता है तो भुगतान नहीं मिलता, और मिलता भी है तो थोड़ा थोड़ा मिलता है, समय पे नहीं मिलता। तो हम एक कानून बनाएंगे जिसके जरिए आपका जब नुकसान होगा खेतों का, एक महीने में आपका पूरा भुगतान होगा। बहनें, आपको मालूम है कि जहां कर्नाटका तेलंगाना में हमारी सरकार है, वहां जो गरीब परिवार है उसमें जो सबसे बड़ी महिला है, उसके खाते में 2000 रुपए हर महीने डाले जा रहे हैं, सरकार डाल रही है। हम चाहते हैं कि देश भर में जितने गरीब परिवार हैं, उनमें सबसे बड़ी जो महिला है उसके खाते में 8500 रुपए हर महीने, मतलब कुल मिलाकर सालाना 1,00,000 रुपए सरकार डालेगी। इससे आपको सुविधा होगी। ये जो महंगाई का बोझ है ना, जो आप उठा रहे हो, इससे राहत मिलेगी। आशा बहुएं, आंगनवाड़ी की बहनें और मिड डे मील की जो बहनें हैं, उनके लिए हमने कहा है कि हम जो केंद्र से राशि भेजते हैं उसका दुगना भेजेंगे, ताकि आपके मानदेय बढ़ जाएंगे। सरकारी नौकरियों में 50% की भागीदारी आपकी होगी, मतलब कि जो पहले के आरक्षण हैं, ओबीसी एससी जितने भी आरक्षण हैं वो रहेंगे, लेकिन उनमें ओबीसी महिलाओं को, एससी महिलाओं को उन आरक्षण के तहत आधे सरकारी नौकरियां, आधी नौकरियां महिलाओं को मिलेंगी। ये हमने तय किया है। आज श्रमिक का शोषण होता है, हम तय कर रहे हैं कि जहां भी आप मजदूरी करें पूरे देश भर में न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए की होगी। और हम शहरी मनरेगा लाएंगे, जिस तरह से गांव में आपको मनरेगा से 100 दिन की मजदूरी मिलती है, उस तरह से शहरों में भी हम लाएंगे। तो ये सब चीजें हैं जो हम आपके लिए करना चाहते हैं। और मैं एक और बात समझाना चाहती हूँ कि जो नेता ना आपके सामने आकर अपने काम के बल पर वोट नहीं मांगता, लेकिन धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर आपसे वोट मांगता है, उससे सावधान रहो। आज देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर आसीन हैं, लेकिन अपने काम नहीं गिनाते आपको। आपको ये नहीं कहते कि 10 सालों के राज में उन्होंने आपके लिए क्या किया। के लिए कभी कहेंगे कि कांग्रेस से सावधान रहो। आपको मालूम है उन्होंने कहा एक भाषण में कि कांग्रेस से सावधान रहो, अगर आपके पास 2 भैंस हैं तो कांग्रेस 1 भैंस चुरा लेगी। तो बोलो, 55 साल से कांग्रेस का राज था, कभी आपकी भैंस चुराई? ये जो भाजपा के प्रत्याशी हैं यहाँ के, वो आपकी जमीन जरूर चुराते हैं, लेकिन कांग्रेस ने आपका कुछ नहीं चुराया। कांग्रेस ने हमेशा आपको मजबूत करने का काम किया, पंचायती राज राय प्रधानों को मजबूत करने के लिए। ये आपके प्रत्याशी भाजपा वाले क्या करते हैं, आपकी जमीनें छीनते हैं, प्रधानों को प्रताड़ित करते हैं, कोटेदारों को प्रताड़ित करते हैं।
प्रधानों को एक स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने देते, सिर्फ आतंक फैलाते हैं पूरे क्षेत्र में। तो चाहे मोदी जी हो, चाहे उनके प्रत्याशी हो यहाँ के, उनकी राजनीतिक सभ्यता ये नहीं है कि आपके प्रति कोई जवाबदेही होनी चाहिए, कि आप किसके सेवक हैं। विधायकों को घूस देके 100-100 करोड़ की सरकार गिरा देते हैं और इस बात को छुपाते भी नहीं है, इस बात को खुलेआम कहते हैं। और इस देश की मीडिया, इस देश के टीवी के चैनल कहते हैं मोदी जी तो मुमकिन है, आपने सरकार लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी और सरकार खड़ी की और मोदी जी ने पैसे खिलाकर घूस देके उसको बदल दिया। ये सच्चाई है आज। तो आप इन चीजों को समझिए, अपने जीवन में जो दिख रहा है उसके आधार पर अपना वोट दीजिए। आपने देखा है यहाँ का विकास हुआ है, आपने देखा है कि आपके सांसद आपके लिए निष्ठा से काम करते हैं, अब उनके बेटे आपके लिए आए हैं प्रत्याशी बनकर। राहुल जी ने खूब लंबी यात्रा की पैदल, कन्याकुमारी से कश्मीर चले, 4,000 किलोमीटर चले सिर्फ आपकी बात सुनने के लिए, सिर्फ क्योंकि उनके दिल में आपके लिए श्रद्धा है। आप उनको विजयी बनाएंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी, दर्पण की राजनीति, आपके प्रति श्रद्धा दिखाने वाली राजनीति, जिसकी नीतियां आपकी भलाई के लिए होंगी। तो आपने बड़े ध्यान से मेरी बातें सुनी, ये देखो ये बड़े समय से बेचारी खड़ी हैं, ये देखो तीसरे बटन पे आपको दबाना है, ये पंजे के सामने, इसमें आवाज आएगी एक जब आप बटन दबाओगे, आवाज की सुनो पूरी तरह से, उसके बाद एक पर्चा निकलेगा, पर्चे पे भी पंजा होना चाहिए। अगर आपने पंजा दबाया और पर्चे पे कुछ और है तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जरूर बताओ, बूथ के बाहर खड़े रहते हैं, और बताओ कि हमने तो पंजा दबाया लेकिन वो पर्चा कोई और आया है। ठीक है, तो ध्यान से आपने बातें सुनी है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातें याद रखना, 20 तारीख को पोलिंग है, भारी बहुमत से जिताना। जय हिंद। नमस्कार। दुनिया की बेहतरीन कैथ लैब व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगल च एस्टेब्लिश हो गई है। सीधा व्हाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलाह रहा तुहाडा भरा तुहाडे दुख सुख च हाजिर है। धन्यवाद।